वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आया हुआ हूँ अजमेर हाईवे पे, हाईवे किंग है। यहाँ पे आउटिंग करने के लिए आए थे हम फैमिली के साथ। बहुत ही शानदार है हाईवे किंग आउटिंग करने के लिए। यहाँ पे हम खाना खाएंगे, रात का डिनर करेंगे। बहुत ही अच्छा बन गया है। पहले भी मैं आया था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे ये बहुत ही शानदार और तैयार हो गया है। दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मिनी कूपर खड़ी है ज़बरदस्त येलो कलर की। और ये हाईवे किंग है। ये हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर पड़ा। जयपुर से आए ना हम इधर। ये देखिएगा कितना शानदार बना हुआ है। ये मेरी कार खड़ी बेलेनो। ये देखिए मिनी कूपर कितनी अच्छी लग रही है। मैंने तो पहली बार देखी है, फर्स्ट टाइम अपने सामने मिनी कूपर। बहुत बड़ी कार पार्किंग है। बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है ये मिनी कूपर। देखते हैं कैसी है। ये देखिए कितना शानदार इंटीरियर है इसका मिनी कूपर का। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। मज़ा आ गया देख के। कितनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी यार, अल्टीमेट। ये होटल हाईवे किंग। यहाँ फैमिली के साथ आउटिंग करने आई है, बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे लॉन गार्डन बना हुआ है और शोरूम भी है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे शोरूम में शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। मैं पिछली बार मैं आया था तो इस शोरूम से मैंने लोअर ख़रीदा था, एलसिस से शोरूम से हाईवे किंग। यहाँ पे हम आइसक्रीम खाएंगे। बॉयज मामा के साथ आए हम, आइसक्रीम खा रहे हैं जी। देखें करो, शेयर करो। यहाँ पे हम आइसक्रीम खा रहे हैं भैया के पास। देखते हैं आइसक्रीम है कैसी। बहुत ही शानदार आइसक्रीम है, क्रीम कुल्फी है बहुत। बहुत ही शानदार है एरिया ये हाईवे किंग का। पास के पास है, 27-26 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई है कुल्फी। अभी तो शुरुआत में यही खाई है हमने कुल्फी। देखिए बहुत ही खूबसूरत हो गया पहले से ही। कितना बेहतरीन हो गया ये हाईवे के। आउटसाइड भी है यहाँ पे। सामने का तो बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से बहुत ही डेवलप कर दिया है इसको। दिखाता हूँ अब जो भी खाना वाना खाएंगे कुछ करेंगे। पीछे एक साइड लॉन है इसमें। झूले भी हैं यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए। और यहाँ खरगोश ज़रूर रहते हैं। खरगोश देखिए कितना खूबसूरत खरगोश बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत खरगोश हैं, सफ़ेद कलर के भी हैं, काला खरगोश भी है इसमें और एक वैसा भी ऑफ वाइट। लॉन भी है इसमें खेलने के लिए। पीछे लॉन में आप खेल भी सकते हैं जाके पीछे। और यहाँ सारे शोरूम भी बने हुए हैं, शॉपिंग भी हो जाती है यहाँ पे। आपको कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हैं। सारे शोरूम बने हैं, बहुत ही खूबसूरत हो गया है। पहले से मैं एक साल पहले आया था तो ये वाली चीज़ नहीं थी पहले बनी हुई। ये जो देख रहे हैं ना आप कंस्ट्रक्शन, ये नहीं था पहले।
लॉन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैठने का है, पीछे बैठ सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं यहाँ पे आप पीछे आके। बहुत ही लार्ज एरिया में लॉन है और ये बना हुआ है वॉशरूम। लॉन का साइज़ देख सकते हैं कितना ह्यूज साइज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉन है ये। पीछे रोशनी इतनी नहीं हो रही इस साइड, ये इसका बैक साइड है हाईवे किंग का। दिखाता हूँ क्या खाएंगे हम खाने में, वो वाली भी दिखाऊंगा आपको। आगे देखते रहिए मेरे व्लॉग को, सब्सक्राइब कर लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जो भी नए व्यूअर हैं। बहुत ही शानदार है हाईवे किंग बना हुआ। हाईवे किंग पे यहाँ पे रात का खाना खाने आए हुए हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी फैमिली के साथ। हाँ सब आ रहे हैं अभी लोग, तो यहाँ पे हम कुछ खाएंगे, रात का डिनर करेंगे। अभी आइसक्रीम तो खा ली है हमने, दिखाता हूँ खाते क्या है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है ये। बहुत ही आप ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने। लॉन गार्डन बिल्डिंग बहुत अच्छी है और शोरूम वगैरह सब। कोल्ड कॉफ़ी आ गई है मेरी, कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ अभी। हमने खा लिया है खाना, डोसा खाया है, दही बल्ला खाया है और कोल्ड कॉफ़ी पी, तो हम जा रहे हैं घर वापस। ऐसे ही आउटिंग हो गई हमारी, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच।